अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ शादियों वाला जर्दा, मीठे चावल भी बोलते हैं। तो मैं शादियों में बनता है उस तरीके से बना रही हूँ। चलिए बनाना शुरू करेंगे हम। जर्दे के लिए मैंने आधा किलो चावल ली हूँ, जो मैंने आधा घंटा भिगो ली हूँ। शक्कर ली हूँ मैंने 350 ग्राम शक्कर ली हूँ। फूड कलर, इलायची 2 लौंग और काली मिर्च के 6 से 7 काली मिर्च। खोवा ली हूँ 100 ग्राम। बादाम 15 से 20 जो मैंने 2 टुकड़ों में कट करी हूँ। काजू 15 से 20 और खोपरा ली हूँ। नारियल, सूखा नारियल ली हूँ, उसको भी मैंने कट कर ली हूँ। पहले हम चावल बॉईल कर लेंगे। तो मैंने 4 ग्लास पानी ले ली हूँ, उसको बॉईल कर ली हूँ। उसमें मैं फूड कलर ऐड करूंगी। और दो ही हरी इलायची ऐड करूंगी। उसके बाद चावल ऐड कर दूंगी उसमें। चावलों को हमें ज्यादा नहीं चम्मच चलाना है और चावल को हम 100% गला लेंगे पूरा। चावल हमारा 100% कुक हो चुका है। इसे मैं एक छन्नी में निकाल लूंगी। एक बड़ा बर्तन ले ली हूं मैंने, उसमें मैं घी ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच इतना घी ऐड कर दूंगी। घी को हम गर्म होने देंगे। अगर आप चाहें तो उसमें डालडा घी भी यूज कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी गर्म हो चुका है, उसमें मैं इलायची, काली मिर्च और 2 लौंग थे वो ऐड कर दूंगी। उसी के साथ ड्राई फ्रूट में फ्राई कर लूंगी। ड्राई फ्रूट में आप अपनी मर्जी का कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। आज को हमें मीडियम रखना है गैस को। थोड़े ड्राई फ्रूट में निकाल लूंगी गार्निशिंग के लिए। अभी इसमें मैं जर्दा ऐड कर दूंगी आधा, चावल जर्दे का चावल ऐड करूंगी आधा। शक्कर ऐड करूंगी। खोवा ऐड कर दूंगी आधा। और चावल ऐड करूंगी। पूरी शक्कर ऐड कर दूंगी उसमें और खोवा थोड़ा। अभी गैस की फ्लेम को हम फास्ट कर देंगे। गैस की फ्लेम को फास्ट करके हम 2 मिनट फास्ट फ्लेम पे पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलेंगे। 2 मिनट हो चुकी है। अभी हम जर्दे को
सा पकड़ के इस तरह से हम हिलाएंगे, चम्मच नहीं चलाना है हमें। और ढक के और 2 मिनट पकाएंगे हम। अब मीडियम आंच पे पकाएंगे। चलिए फिर हम चेक करेंगे, अभी हम चम्मच से चेक करेंगे। चम्मच हमें साइड से ऐसे चलाना है, चावल हमारा टूटना नहीं चाहिए। चावल ने पूरा पानी छोड़ दिया है हमारे, इसे हम मीडियम टू लो पे और 2 मिनट पकाएंगे। चलिए हम चेक करेंगे कि जर्दा हमारा रेडी है कि नहीं। जर्दा हमारा बिल्कुल रेडी है। टोटल मैंने 5 से 7 मिनट तक मैंने दम करी थी, 2-2 मिनट करके बीच बीच में चम्मच चलाते हुए। इसे मैं प्लेट में सर्व करूंगी। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।